यस स्टूडेंट्स, बेटा जो ये सीरीज का जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है थोड़ी। इसमें देखो, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, वन प्लस टू अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू स्क्वायर फोर अपॉन टू की पावर थ्री एंड सो ऑन। अभी भी मुझे ना तो ये पूरी एपी मिल रही है ना पूरी मेरे को जीपी मिल रही है। ऐसे केस में देखते हैं ये वन टू थ्री और फोर, ये तो किसको फॉलो कर रहे हैं, एपी को, या फिर दो की पावर जीरो भी हो सकती है, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू स्क्वायर, वन अपॉइंट टू थ्री, है ना, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, जीपी को। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसकी एन टर्म निकालना, प्लस टीएन लिखे, टीएन निकालने के लिए देखो सबसे पहले देखो आपको एपी वाली टर्म देखो, एपी का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, जीपी के, जीपी से होने अपनी टर्म देखो आप, तो हो जाएगा ए आर एन माइनस। अब हमारे यहां पर देखो ए की वैल्यू कितनी बेटा, फर्स्ट टर्म वन है, और डी की वैल्यू कितनी है, ये भी वन है, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो फर्स्ट फर्स्ट टर्म कितनी है, वन है, और आर की वैल्यू कितनी आ रही है, वन अपॉन टू, तो टी एन आ जाएगा वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन, वन इंटू वन बाई टू एन एन माइनस वन, फाइनली वन वन कट जाएगा, सिर्फ एन बचेगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, और वन अपॉन टू टू की पावर एन माइनस, ये टी एन की वैल्यू आ रही है। एस इक्वल्स टू वन प्लस टू अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू स्क्वायर प्लस फोर अपॉन टू क्यू प्लस एन अपॉन टू टू की पावर एन माइनस वन, ये स्टेप नंबर पांच। अब इस फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आपसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। आपसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वन बाय टू से तो क्या आएगा मेरे को, वन इंटू वन बाय टू, वन बाय टू आएगा, इसके नीचे नहीं लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में बाद में लिखना शुरू करना है, इसके नीचे लिखना। अब इसको आप टू से मल्टीप्लाई करो वन बाई टू से, तो टू अपॉन टू की पावर टू प्लस थ्री अपॉन टू की पावर थ्री, और इस तरह से चलता है। यहां पर इसको अगर मैं वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो एन अपॉन टू की पावर एन आ जाएगी, टू से मल्टीप्लाई करूंगा ना, माइनस वन ऑलरेडी है तो प्लस माइनस वन कट के ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि क्लियरली ना तो एपी है ना ये जीपी है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करना है, या तो एपी में कन्वर्ट हो जाए या फिर जीपी में कन्वर्ट हो जाए, सबट्रैक्ट कर दो आप इसको, या प्लस है माइनस माइनस सेवन साइन सिक्स साइन चेंज हो जाएगी, एस माइनस वन बाई टू एस कितना हो जाएगा, वन बाई टू एस वन, इसमें से ये माइनस करो कितना बचेगा बेटा, वन बाय टू, इसमें से ये माइनस करो कितना बचेगा, वन बाय टू की पावर टू प्लस यहां पर भी वन अपॉइंट टू की पावर थ्री, और यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू बच जाएगी माइनस एन अपॉइंट टू की पावर। नंबर ऑफ टर्म की बात करो तो यहां से लेकर के यहां तक कितनी होगी, ये एन टर्म्स है, क्योंकि इसको तो एक आगे सरकार के लिखा था। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, ये क्या बन गई, कौन सी सीरीज बन गई, अब ये बन गई जीपी, ठीक है ना, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, वन है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है बेटा, वन बाई टू, यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन। अब इसका सम हम आराम से निकाल सकते हैं, वन बाई टू एस, सम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर माइनस एन अपॉन टू टू की पावर एन, डालो वैल्यू, वन वन माइनस हाफ डालो बेटा टू की पावर एन, वन माइनस वन बाई टू माइनस एन अपॉन टू टू की पावर
वन माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा, ये हो गया टू, वन माइनस वन अपॉन टू टू दी पावर एन माइनस एन अपॉन टू टू दी पावर एन, या लेफ्ट में क्या चल रहा है एस अपॉन टू, या अपॉन टू है ना बेटा, ऊपर से कर दो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में से, तो एस इक्वल्स टू आ जाएगा टू टू जा फोर, वन माइनस वन अपॉन टू टू दी पावर एन माइनस ये टू है ना क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आना, टू इंटू एन अपॉन टू टू दी पावर एन, फोर से कर दो मल्टीप्लाई, फोर बन जाए फोर माइनस फोर को इससे कर दो, फोर अपॉन टू टू दी पावर एन माइनस टू एन अपॉन टू टू दी पावर एन। बेटा एक बात ध्यान से, इस टू से अगर इसको रिड्यूस करूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर मैं इसको लिखो देखो, इसको लिखो पहले तो क्या है एन है, अरे टू टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा, इसको भी एन माइनस वन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फोर क्या होता है टू इंटू टू होता है, एक टू से इसको रिड्यूस करूंगा क्या क्या आ जाएगा एन माइनस वन और एक टू आपके ऊपर पड़ा रहेगा। अब थोड़ा सा ये भी आंसर ठीक है बट आंसर ठीक है, माइनस कॉमन टू टू दी पावर एन माइनस वन एन टू प्लस एन, ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। अगली बात समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये एक इक्वेशन सीरीज है जिसके अंदर एपी और जीपी दोनों को मल्टीप्लाई करने से नई सीरीज मिली है हमारे को, इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा मेथड है। ओके एनी डाउट? हाँ स्टूडेंट्स, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, इसके अंदर क्या किया है समझो इसको, एस इक्वेशन क्वेश्चन क्या है, वन प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स क्यूब प्लस बेटा इसमें ध्यान से देखो, ये ना तो पूरी ए भी बन रही है ना जी भी बन रही है, बट ऑब्जर्व करने से क्या पता चल रहा है कि ये वन थ्री फाइव और सेवन ये तो है एपी के स्टेप्स, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये क्या है जीपी, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि एपी एक एपी और एक जीपी को मल्टीप्लाई करने से ये नई सीरीज हमारे को जनरेट होती है, तो इसका टीएन निकालना है एंथ टर्म निकालना। तो पहले तो आप एपी का एंथ टर्म का फॉर्मूला लिख दो और जीपी का एंथ टर्म का फॉर्मूला लिख दो, एपी वाले स्क्वायर कौन से है वन थ्री फाइव सेवन, स्लैक पोजिशन फर्स्ट टर्म कौन सी है ए जीरो टू वन, कॉमन डिफरेंस इसका वन थ्री फाइव और सेवन का लिखना है कितना बोलो टू है, और अब जीपी वाली बात करो कैपिटल ए ले लो, उसके अंदर फर्स्ट टर्म तो वन ही बन रही है लेकिन नेक्स्ट टर्म का एक्स आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी जाएगी एक्स, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा इसका एक्स हो जाएगा। अब आप इसमें देखो ये सारी वैल्यू सब पुट करो, आप ए की वैल्यू वन डी की वैल्यू टू ये सारी वैल्यू पुट करने से क्या मिला मेरे को सॉल्व कर लें वन प्लस टू एन माइनस टू मीन्स टू एन माइनस वन आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन ये इसकी एंथ टर्म होगी, इस एंथ टर्म की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। अभी भी मैंने क्या देखा है सिर्फ क्लियर लिखा है कुछ भी नहीं किया, ये सीरीज अभी ना तो एपी है पूरी ना ही पूरी जीपी है, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा वे है इस पूरी सीरीज को दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है उसको एक स्टेप आगे सरका के लिख देता हूं, तो इसको अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां लिखूंगा क्या आएगा वन एक्स प्लस इसको करो आप कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, इसको करो कितना आएगा फाइव एक्स क्यूब एंड सो ऑन चलता रहेगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा बेटा यहां पर ये एन माइनस वन है ना ये एक्स एन हो जाएगा क्योंकि एक्स से मैं इसमें मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। अब आप इसमें क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो पुराना फॉर्मेट करना प्लस एक माइनस कर दो या माइनस कर दो ये तो कितना हो जाएगा एस माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू इस वन में कुछ नहीं गिरना इसमें से ये माइनस किया कितना बचा बेटा टू एक्स इसमें से ये माइनस को कितना बचेगा बेटा टू एक्स स्क्वायर और ये वाला टू एक्स क्यूब एंड सो ऑन यहां पे रिजल्ट आप लिखिए नहीं हमने लास्ट वाले लिखा बस माइनस टू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन एस एन से मल्टीप्लाई किया ना एक एक्स से मल्टीप्लाई किया था ना तो एक्स की पावर एन एक्स ओके। अब देखो बेटा ये वाली वैल्यू ना अभी फिलहाल वन को अगर मैं इंक्लूड करता हूं तो
कोई सीरीज नहीं बन रही है। अभी थोड़ा सिंपलीफाई की जरूरत पड़ रही है, ये वन पड़ा इसमें से टू कॉमन ले लो, और आप चाहो तो एक्स भी कॉमन ले लो, एक एक्स भी कॉमन ले लो, यहां पर देखो कितना बचेगा वन प्लस टू एक्स, इसमें से डिवाइड कितना बचेगा यहां पर एक्स, यहां पर कितना बचेगा माइनस वन, कितनी टर्म्स है कौन बताएगा इसमें से, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स थी एन टर्म्स, ये क्या कौन सा है एक आगे सरकार ने एक्स्ट्रा टर्म्स दिया था, यहां तो कितनी आ जाएगी एन टर्म्स आ जाएगी, तो इस वन को हमने इंक्लूड नहीं किया इस सीरीज के अंदर, तो टोटल टर्म्स कितनी रहेगी एन माइनस वन टर्म्स रहेंगे, फर्स्ट टर्म इसमें वन है और कॉमन रेशियो कितना है एक्स है, बन गई जी भी लास्ट वाला स्टेप जो है ये बड़ा है, इसको कुछ नहीं इस वन का कुछ नहीं करना है, टू एक्स अपनी जगह पड़ा है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ए वन माइनस आर की फॉर एनरो वन माइनस आर और एन की जगह यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बड़ा एन माइनस वन है, एन माइनस वन आ जाएगा माइनस टू एन माइनस वन आर ये एक्स, डालो वैल्यूज वन प्लस टू एक्स इंटू ए की वैल्यू कितनी है वन और वन माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस टू एन माइनस वन एंड एक्स टू दी पावर लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू मेरे पास वन माइनस एक्स और एस, तो एस इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का अपॉन में लिख दो वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन एक वन माइनस एक्स तो पड़ा है स्क्वायर आ जाएगा और ये वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस टू एन माइनस वन एक्स टू की पावर एन अपॉन वन माइनस एक्स, कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर नहीं, बोलो नहीं। स्टेप टू स्टेप बेटा इसमें देखो थोड़ा सा और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जैसे वन माइनस एक्स है ना इसके नीचे और इसके दोनों नीचे सेम है, तो आप इसमें एक्स करो एक दोनों को पहले पास पास ले वन माइनस एक्स माइनस टू एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन वन माइनस एक्स और ये वाली वैल्यू प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और वन माइनस एक्स एन माइनस, अब इन दोनों में देखो एलसीएम ले सकते हैं तो रिजल्ट क्या बनेंगे हमारे पास में वन अपॉन वन माइनस एक्स है ना, तो वन माइनस एक्स एलसीएम वन माइनस वन प्लस आ गया नहीं ये माइनस है ना यहाँ पर वन माइनस टू एन माइनस वन एंड एक्स टू दी पावर एन ले प्लस टू एक्स वन माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास इसका सिंपलीफिकेशन, कोई दिक्कत बेटा इसमें पक्की बात है